सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में एक कंसोलिडेशन को देखने के बाद अगर हम वर्ल्ड इंडेक्सेस की ओर रुख करते हैं तो करंटली हमें इसमें एक भारी गिरावट देखने को मिल जाता है, जिसके चलते हम इसके फ्यूचर लेवल्स में भी यहां पे एक डाउनसाइड को करंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कल भी हमें निफ्टी में ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है और ये हमें 11,700 से लेके 11,800 के लेवल्स के बीच में कल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इंडियन ADRs की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम मोस्टली सभी स्टॉक्स में एक गिरावट को देख सकते हैं, जबकि हमें ICICI बैंक के केस में यहाँ पे एक मार्जिनल अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल आप इसे देखते हुए इन सब स्टॉक्स में अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में से चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लिस्ट में जो पहला स्टॉक है, इसमें आज हमें ट्रेडिंग आवर्स में एक भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। इसने अपने इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर ही आज अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके दूसरे सभी इंडिकेटर्स में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके चलते कल भी हमें स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है लार्सन एंड टुब्रो, जिसे आज हम लगभग 1240 के लेवल्स पे अपना इंट्राडे लो और अपना 52 वीक लो फॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। इसके जस्ट ऊपर ही आज इसने अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जिस लेवल पे हमें काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी हमें यहाँ पे बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 8 times से भी ज्यादा सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते कल भी हमें स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए आप लार्सन एंड टुब्रो को सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, इसमें भी हमें आज ट्रेडिंग आवर्स में फिर से एक गिरावट देखने को मिल जाता है। इसने भी अपने इंट्राडे लो के आसपास अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसे अपने मेजर EMA लेवल्स के काफी नीचे करंटली ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, जिसके चलते हमें आगे इस स्टॉक में ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी हमें एक भारी सेल ऑफ देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक में फिर से एक गिरावट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, जिसमें आज हम लगभग 3.3% के आसपास एक गिरावट को देख सकते हैं। इसके ऑर्डर बुक में करंटली हमें 6400 से भी ज्यादा स्टॉक सेलर साइड में देखने को मिल जाते हैं और हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर लेवल्स है यहाँ पे भी एक भारी सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सेलर साइड में बायर साइड के मुकाबले ऑलमोस्ट 4 times कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप कल ग्लेनमार्क को भी सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है, यहां भी आज हमें ट्रेडिंग आवर्स में एक भारी गिरावट देखने को मिल जाता है और अगर कल हमें निफ्टी में एक गिरावट का सिचुएशन फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है तो इस स्टॉक में हमें ये डाउन ट्रेड कॉल इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में आज हम एक बेयरिश क्रॉसओवर को जनरेट होता हुआ देख सकते हैं, तो आप कल इस स्टॉक के ऊपर भी अपना नजर बनाए रख सकते हैं। स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स, जिसमें हम पिछले 1 से 2 हफ्तों में ही लगभग 20 से 25% का एक गिरावट को देख चुके हैं। अभी भी हमें इसके ऑर्डर बुक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है, जिसके चलते कल भी आपको स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आप कल स्टॉक को सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टॉक है, इसमें आज हमें ट्रेडिंग आवर्स में एक भारी अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखा दिया है। इसने काफी दिनों के बाद अपने मेजर EMA लेवल्स को सक्सेसफुली ब्रीच करते हुए इसके काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसे आज अपने इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे क्लोज होता हुआ देख सकते हैं और इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी हमें आज एक स्ट्रांग बाइंग प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कल भी हमें इस स्टॉक में एक फॉलो अप रैली देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट्स, जिसमें आज हम लगभग 18% से भी ज्यादा का एक अपसाइड को देख सकते हैं।
इसके ऑर्डर बुक में हमें करंटली 78,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स बाय साइड में देखने को मिल जाते हैं। तो आप कल इनिशियल ट्रेडिंग आवर्स में इस स्टॉक को बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आज फिर से वर्ल्ड इंडाइसेस को डाउनसाइड में ओपन होता हुआ देखने के बाद अगर हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की ओर करते हैं तो यहाँ पे आज हमें एक डाउनसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने अपने 200 डेज के ईएमए के जस्ट ऊपर 11,813.2 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम अभी भी इसके आरएसएल लेवल में एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रहता हुआ देख सकते हैं जो कल भी हमें जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका जो वीकली ऑप्शन चेन डेटा है उसकी ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम करेंटली इसके पुट साइड में 11,750 के लेवल्स पे भारी पुट राइटिंग को देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें करेंटली 7.38,525 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हायर साइड में हम इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में 11,800 के लेवल्स पे भी लगभग 2.15,175 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें लगभग 32,70,450 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल हमें 11,800 के लेवल्स पे एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कल भी हमें निफ्टी में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है और ये मोस्टली हमें 11,700 से लेके 11,800 के बीच में कल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम 11,800 के लेवल्स पे लगभग 8.44,875 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हम करंटली 17 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ दिख पा रहे हैं। तो हमें 11,800 के लेवल्स पे भी एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। तो कल का ट्रेंड काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है और अगर निफ्टी अपने 11,800 के लेवल्स को रिक्लेम करने में कामयाब होता है तो हमें इसमें थोड़ी सी और अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन ग्लोबल इंडाइसेस में ये डाउन ट्रेंड की वजह से हमें इसमें जो गिरावट है वो और भी ज्यादा कल इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे सकता है और इसमें हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट की ओर करते हैं तो यहाँ पे हमें आज निफ्टी की तरह ही एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल जाते हैं। इसे आज हम अपने 200 डेज के ईएमए लाइन जिसको हम करेंटली 30,272 के लेवल्स पर देख पा रहे हैं उसके जस्ट ऊपर 30,468.3 के लेवल्स पे आज इसे हम क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। तो कल के लिए इसका जो 200 डेज का ईएमए लाइन है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है जिसके टूटने पे हमें बैंक निफ्टी में और भी ज्यादा गिरावट अगले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। अभी हम इसके आरएसएल लेवल में एक गिरावट को कंटिन्यू रहता हुआ देख सकते हैं जो कि करंटली 41 के लेवल्स के आसपास आ चुका है और कल भी हमें इसमें एक फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो कल आप इसमें कोई भी अपना जो लॉन्ग साइड में ट्रेड है उसे लेने से अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसका वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में करंटली 30,400 के लेवल्स पे इमीडिएट सपोर्ट लेवल को देख पा रहे हैं यानी कि हमें 30,400 के लेवल्स पे यहाँ पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल जाता है। हम इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में 30,500 के लेवल्स पे लगभग 5.07,360 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं। तो कल हमें 30,500 के लेवल्स पे एक सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन इसके लिए बैंक निफ्टी को 30,500 के लेवल्स के ऊपर अपना ओपनिंग देना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा अनलाइकली है। तो आप कल बैंक निफ्टी में भी एक कंसोलिडेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम इवन सेम लेवल पे 30,500 के स्ट्राइक पे ही भारी कॉल रेटिंग को देख सकते हैं। तो आपको 30,500 के लेवल्स पे कल बैंक निफ्टी में इनिशियल ट्रेडिंग आवर में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग नहीं देता और हमें इसमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलता है तो इसके लिए 30,500 का लेवल एक चैलेंजिंग लेवल की तरह उभर के आ सकता है। अगर इसे ये सस्टेन करने में कामयाब होता है तो हमें इसे लगभग 30,500 से लेके 30,800 के बीच में कल इसे हम ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। तो कल आपको 30,500 से लेके 30,800 का लेवल
बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। इफ लाइक दिस वीडियो स्मैश द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अक्रॉस सोशल मीडिया। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस आउट एनी अपडेट फ्रॉम अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।